तो हमारे सामने ट्विन ब्रदर्स बैठे हैं जिन्होंने सीएमए दिसंबर 2022 में अपना एग्जाम दिया। दोनों के सेम मार्क्स हैं, दोनों को सेम रैंक मिला है 27। दोनों ने मेरे से क्लासेस ली थी, इसका ऑलरेडी मैंने एक इंटरव्यू पोस्ट कर दिया है। और मैंने एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ उसी इंटरव्यू में कि इन्होंने स्टॉक मार्केट का, इनको बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत पैशन है इनको स्टॉक मार्केट का। बड़ी बड़ी कंपनीज फाइनेंस लाइन में स्टूडेंट्स को ढूंढती है, इन जैसे स्टूडेंट्स को ढूंढती है। तो इन्होंने जो मेरी क्लासेस होती है उसमें इन्होंने मेरे जो लर्निंग की है, जो लर्निंग मैं करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ लर्न मोर अर्न मोर, लर्न मोर अर्न मोर। तो इन्होंने लाख रुपए लगाए थे और इन्होंने 5 लाख रुपए उसमें उन्होंने कमाया, और फिर इन्होंने 5 लाख रुपीज अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दिया कि पापा आप रखो, आप अपने जो भी काम है आपने हमारे एजुकेशन के लिए आप यूज कर लेना इसको। तो ये होता है कमाल, ये होता है चमत्कार। दोनों ट्विन ब्रदर्स, दोनों सीएमए क्वालिफाइड, दोनों रैंक 27, दोनों के सेम मार्क्स, दोनों ने मेरे से क्लासेस ली, दोनों ने एक टाइम पे क्लियर किया एग्जाम, और दोनों का ही नॉलेज स्टॉक मार्केट में नंबर वन है। बड़ी बड़ी कंपनी जब देखेंगी तो आप लोग जैसे स्टूडेंट्स को ही सेलेक्ट करेगी। मुझे मानना है, मेरा मानना है कि आगे चलकर आप बहुत अच्छी कंपनीज को ज्वाइन करोगे। जो क्लास की लर्निंग है उसको आपने सार्थक किया, लर्न से अर्न की और बढ़ने के लिए आपने जो ये काम करा है कमाल कर दिया। पेरेंट्स को आपने जो गिफ्ट दिया है 1 लाख से 5 लाख रुपए जो अर्न किया, थोड़ा बता दीजिए किस तरह से आपने किया, तो थोड़ा दूसरों को नॉलेज हो। बट मैं आपको ये बता दूं कि मैं सिर्फ लर्निंग देता हूँ, मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ कि अर्निंग ही होगी। मैं तो ये कहता हूँ लॉस होगा भैया, आराम से, कोई ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़े थोड़े पैसे लगाओ, सिर्फ लर्न करो। लर्निंग लर्निंग लर्निंग, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, बीटा का कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट, मार्केट का, वॉलिटिलिटी का कॉन्सेप्ट। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, लर्निंग पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, अर्निंग अपने आप अच्छी होगी। ठीक है, प्लीज अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करें। मतलब आप हर चीज बताते हैं। मतलब आप, मैंने देखा कि आप एक्चुअली, ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक्चुअली ना बच्चे लोगों को सिखाने के इतना पैसा रिस्क में डालते हैं, क्योंकि सर छोटी बात नहीं है। आप लाइन जाते हैं एंड आप अपना उतना रुपया लगा के, क्योंकि कोई ऐसा क्यों करेगा, ये भी समझने वाली बात है। सर आपने जो किया सर, वो मेरा उसने मेरा एकदम माइंड वो कर दिया कि सर लाइव दिखा रहे हैं। अरे सर इतना पैसा हम लोग को दिखाने के लिए कर रहे हैं, कर रहे हैं। एंड सर उसमें आपको लॉस होता था, बट कभी भी आप ये नहीं सोचा आपने कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सर वो मेरे लिए मेरा इतना फोकस सिर्फ लर्निंग का था, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लोगों के पैसे डूबते भी हैं, रिस्क हाँ बहुत है। जिसके वही तो पास मैं कह देखिए रहा हूँ नॉलेज सर। होगा, कॉन्सेप्ट अच्छी होगी, वो अपने रिस्क को मैनेज अच्छा से कर लेगा। एंड सर फिर आप ना रीजन देते थे कि ये क्यों गिर रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है, मैं कॉल पुट क्यों लूँ, मैं कॉल सेल क्यों करूं। आप बोलते थे हाँ ठीक है आप लोग लीजिए ना, आप लोग बाय करिए ना कॉल, मैं तो सेल करूंगा। तो वो छोटा से छोटा चीज मुझे याद है सर। एंड वो जब मैं गया मतलब फाइनेंस मार्केट में, मैंने सब किया, मैंने ये नहीं कि सब सिर्फ ट्रेडिंग की, मैंने इन्वेस्टमेंट भी किया, मैंने ट्रेडिंग भी की, मैंने सब किया सर। मैं एग्जैक्ट बोलूंगा मैंने 1 लाख रुपीज लेके मैं एंटर किया था, एंड वो भी मेरा खुद का पैसा था। एंड जब मैं आउट किया तो वो 5 लाख 10,000 या फिर 9,000 ऐसा कुछ था। बट सर उस समय ऐसा हो गया कि मुझे पता था कि नहीं, जब जैसे जैसे लक्ष्य आ रहा है पैसा भी साइड होना चाहिए, मेरा मेन लक्ष्य है, उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। तो सर मैंने अपना उस दिन वो निर्णय लिया कि ये करता रहूंगा, लेकिन अब समय आ गया कि मेरा सिर्फ एकमात्र फोकस अब मेरा पढ़ाई पे रहे। तो मैंने वो पैसे अपने पापा को दे दिए। बस ये कहूंगा कि आप लर्निंग में ध्यान दीजिए, आप कुछ भी करेंगे आप स्टडी करिए, आप मतलब देखिए कि वैल्यूएशन क्यों है, आप अपने हिसाब से देखिए कि इसका वैल्यूएशन फेयर है क्या, प्रैक्टिकली देखिए। पीई रेशियो चाहिए, स्क्रीनर बोल के एक तो साइट है, वहां पे आपको बहुत सारे हिडन डेटा मिलेंगे, आप वहां पे जाइए, आप क्रिटिकली एनालाइज करिए हर एक चीज को। अच्छा इसका ये इतना है, इंडस्ट्री का कितना है, ओ ये थोड़ा अंडर रेटेड है क्या। आप हर चीज लॉजिक से करिए, आज नहीं कल नहीं, बट आज सक्सेसफुल पक्का होंगे। कंपनी के कैश फ्लोज देखिए, आप कंपनी की अभी करंट न्यूज देखिए कि वो उसका क्या पोजीशन है अभी, वो किस 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 बारे में चर्चा हो रही है उसके बारे में। तो वो सब रिजल्ट से बहुत इंपैक्ट करते हैं। सच में कोई कंपनी सक्सेसफुल है कि वो बस ऐसी दिखा रहे हैं, वो कैश फ्लो से पता चल जाएगा आपको। अगर आप सच में कैश फ्लो को रीड करना आता है आपको, आप कोई भी कंपनी को देख के बता देंगे ये खाली बस बाहर से अच्छा है कि इसका अंदर एकदम तगड़ा है। तो वो सब देखना बहुत जरूरी होता है सर। बैलेंस शीट, कैश फ्लोज वगैरह, ठीक है, बहुत अच्छा सर लगा, थैंक यू सो मच। और एक इंटरव्यू ऑलरेडी हमने पोस्ट किया हुआ, इनका एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसा रहा क्या रहा, तो प्लीज वो भी देखिएगा। थैंक यू सो मच।